बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों, आप कैसे हो? आज आप देख रहे होंगे तकिया मैंने रखा हुआ है। अब पेट के मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि छुपाने के लिए तकिया रखना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि ख्वातीन के पेट के मुकाबले में मर्द के पेट की सिफात बयान की गई हैं कि ये ख्वातीन का पेट नहीं है। 9 महीने अंदर रहा, 9 महीने बाहर निकल गया, फिर 9 महीने अंदर आ गया, ये मर्द का पेट है। बढ़ गया तो बढ़ गया, तो इसीलिए मेरा पेट भी बढ़ गया तो बढ़ ही गया। अब काम करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ वैसे, लेकिन नाकाम कोशिश कर रहा हूँ मैं। भारत, आज जी मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। एक तो इलेक्शन जो है वो 2023 में तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन आज से शुमार करें तो 365 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो रहे हैं और हमारा खान दोबारा वापस आ रहा है। और खान वापस आते ही सबसे पहला काम पता क्या करेगा? उसने उसको इस नहज पे ला के छोड़ दिया उन्होंने कि वो मजबूरन मुआहदा करेगा IMF से, क्योंकि ये मुआहदा करने की पहले कोशिश करते रहेंगे। आज स्टाफ लेवल मुआहदा हो रहा है, आज फलां मुआहदा हो रहा है, फलां मुआहदा हो रहा है, ये मुआहदे वायदे नहीं होंगे। कुछ चंद टके वो पकड़ा देंगे कि ये इससे 15-20 दिन महीना गुजारो, उसके बाद आना, फिर वो जाएंगे, फिर वो 15-20 टके पकड़ा देंगे कि इस पे गुजारो वक़्त, तो इस तरह से गुजरता रहेगा वक़्त। लेकिन वो बाकायदा मुआहदा नहीं करेंगे इसके साथ, वो मुआहदा बाकायदा मुंतखब गवर्नमेंट के साथ ही करेंगे। और मुंतखब गवर्नमेंट हमारी आएगी और इंशाल्लाह आ रही है, नेक्स्ट कमिंग गवर्नमेंट हमारी ही है, PTI की गवर्नमेंट है। और एक तरफ आप हैरान होंगे कि एक तरफ लोग कहते हैं जी PTI पे पाबंदी लग रही है, दूसरी तरफ आप पेशीन गोइयाँ करते जा रहे हैं कि PTI की नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है। तो ये बातें ही होती हैं, पाबंदियाँ लगाना इतना आसान काम नहीं होता, ना कोई लगा रहा है ना किसी की नीयत है, और नीयतों पे हमें शक भी नहीं करना चाहिए। नीयतें हमारी आला लेवल पे बहुत अच्छी नीतें हैं और हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म, दिलों का तो वज़ीर-ए-आज़म अब भी इमरान खान ही है, लेकिन मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है। और इंशाल्लाह मुंतखब हो भी रहे हैं, कामयाब हो भी रहे हैं, सर्वेज बता रहे हैं। आप यकीन मानेंगे कि मेरे ज़ाती करवाए गए सर्वे में, जिसमें 90 दिन मैंने दिए थे ट्विटर पे, 80% से ज़्यादा वोट खान के हक में आए हैं, 80% से ज़्यादा वोट, तो बड़ी खुशी की बात है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सर्वे भी करवा रहे हैं और आगे कारकर्दगी भी दिखाएंगे। और छोड़ जाने वालों के लिए फिर मेरा दोबारा से, अभी 1 घंटे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी रिक्वेस्ट की थी खान से रिक्वेस्ट की जा सकती है, और कुछ करके हमने मरना है, लेकिन वो मेरा यार है यार, इस तरह तो बातें ना किया करो, वो मेरी बात मान लेता है। इनको छोड़ दें, इनको मुस्तकबिल के मुस्तकबिल पे छोड़ दें, ये जहाँ जाते हैं फिर जुड़ के ना धूप छाँव सब कुछ देखने के बाद, तेज़ तरीन बारिश ये देखने के बाद तशरीफ़ लाएंगे ना, तो फिर सोचिएगा इनके बारे में कि इन्होंने करना क्या और आपने क्या करना है इनके साथ। बारह ये खुशखबरियाँ हैं और ये ताज़ा ताज़ा मिली हैं और मुझे हज़म नहीं हो रही थी, मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं।
और बड़ी कंफर्म सोर्सेज से खबरियां, खुशखबरियां बड़े कंफर्म सोर्सेज से मिल रही हैं मुझे। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ रख के बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।